तुम ये समझो, कई बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा ना हमें गाइड कर दो सर, रिलेशनशिप पे गाइड कर दो, कि सर हमारा ब्रेकअप हो गया उसकी याद बहुत आती है। अच्छा, ऐसा एक कमेंट किया बच्चे ने, मुझे लगा कि ये ड्रॉपर होगा, 11th 12th में 11th 12th पास कर गया होगा, ड्रॉपर होगा, एक आध दो साल ड्रॉप किया होगा इसी वजह से। तो मैं पूछा उससे कौन से बैच में हो, तो कहता सर मैं 11th में हूँ। अबे तूने पैदा लिया नहीं कि तेरा भी ब्रेकअप हो गया? चल सुन, ब्रेकअप की बात है तो मैं समझाता हूँ, सुनो। उसमें भी क्या होता है कि तुम इनर्सिया में होते हो। किस चीज का इनर्सिया सर? किसी के लाइफ में होने का इनर्सिया। अब तुम्हारे लाइफ में कोई है तो उससे बात करना है ना, उससे बात करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, इसके इनर्सिया में तुम होते हो। और अचानक से किसी वजह से वो तुमसे दूर जाती है या बात नहीं करती है या ब्रेकअप कर लेती है, तो तुम्हारा इनर्सिया ब्रेक होता है। तुम्हारे डेली लाइफ का कुछ रूटीन है कि कल तुम 6 बजे उससे बात करते थे, सुबह 7 बजे उसको मैसेज करते थे, रात में 10 बजे उसको गुड नाइट बोलते थे। अब किससे बात करोगे शाम को 6 बजे? सुबह किसको मैसेज करोगे? शाम को किसको गुड नाइट बोलोगे? तो तुम्हारा इनर्सिया ब्रेक होता है। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन थी या तुम उसके बारे में सोच रहे हो, उसके जाने से तुम्हें फर्क पड़ रहा? नहीं, उसके जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझने की कोशिश करो, उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है, तुम्हें दुख इस बात का होता है कि तुम सुबह 6 बजे क्या करोगे, किसको गुड मॉर्निंग बोलोगे, है ना, शाम को 6 बजे किससे बात करोगे, रात में 10 बजे किसको गुड नाइट बोलोगे। तो तुम्हारा इनर्सिया ब्रेक हो रहा होता है। तुम्हारे डेली लाइफ का जो रूटीन है जिसमें तुम रोज जीते आए हो, अब कल तक जो करते आ रहे थे आज वो करने को नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? सवाल सिर्फ इस बात का है, सवाल सिर्फ है तुम्हारे इनर्सिया ब्रेक होने का, इनर्सिया ऑफ किसी का होना। तो ये जो इनर्सिया ऑफ किसी का होना वो ब्रेक हो रहा होता है। तो तुम्हें लगता है कि नहीं मैं उससे कुछ प्यार करता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं, आई लव यू, वो सब बेकार की बातें हैं। तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और धीरे 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 फर्स्ट डे थोड़ा ज्यादा दुख होता है, ज्यादा कष्ट होता है, पता नहीं क्या करूंगा, सेकेंड डे थोड़ा कम होगा, थर्ड डे थोड़ा कम होगा, धीरे धीरे तुम्हारा इनर्सिया ब्रेक होता है और एक स्टेट से तुम दूसरे स्टेट में जाने लगते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने लगते हो। तो ये है इनर्सिया ऑफ रिलेशनशिप, मतलब इनर्सिया ऑफ किसी का होना। अब एक गया फिर दूसरा आ गया तो दूसरे के होने के इनर्सिया में चले जाओगे, है ना, दूसरे के होने के इनर्सिया में चले जाओगे। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होते हैं तुम रिलेट कर पाओगे, पढ़ाकू टाइप के होते हैं, बढ़िया पढ़ते हैं, दिन में 8-10 घंटे पढ़ते हैं, है ना, उनका रोज का काम है पढ़ाई करना, है ना, वो बढ़िया लाइव क्लास लिया शाम को, फिर रात में बैठ के लाइव क्लास को रिवाइज किया, सुबह डीपीपी किया, है ना, दिन में बढ़िया प्रिपेयर हुआ, नेक्स्ट क्लास का रिवीजन किया। अब उसका डे बाय डे ये काम होने लगा, है ना, अब वो इनर्सिया में चला गया, पढ़ने के इनर्सिया में चला गया, इनर्सिया ऑफ स्टडी में चला गया। अब इनर्सिया ऑफ स्टडी में चला गया, अब उसका काम है रोज का पढ़ना। अब किसी वजह से किसी दिन मान लो कि उसको नानी के यहां जाना हो या फिर लाइव क्लास नहीं हुआ, तो इनर्सिया ब्रेक हो गया। अब इनर्सिया ब्रेक हो गया तो जिस समय लाइव क्लास था उस समय अब लाइव क्लास नहीं हो रहा, उसको पढ़ना नहीं पड़ रहा, तो उस समय उसके दिल में ना थोड़ा सा एक कमी का एहसास होता है। कभी तुमने ये फील किया होगा या नहीं किया होगा, पढ़ने वाले तो तुम हो नहीं, है ना, उस दिन उसको लगता है ऐसा कि आज कुछ ना कुछ छूट रहा है पीछे, कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। हालांकि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा, लेकिन उसको महसूस होता है कि आज मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो जैसा तुम रोज करते हो, चाहे तुम्हारा डेली लाइफ का रूटीन कुछ भी हो, उस दिन वो काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा इनर्सिया ब्रेक होता है। तुम्हारा जो काम तुम रोज करते हो ना उसके इनर्सिया में होते हो, वो काम तुम उस दिन नहीं करते तुम्हें लगता है कि आज कुछ खालीपन सा है मेरे जीवन में, आज कुछ गलत हो रहा है, कुछ पीछे छूट रहा है, मेरे से कुछ दूर जा रहा है, कुछ दूर नहीं जा रहा। तो तुम पढ़ाई के रिलेशनशिप में थे, जिस दिन नहीं पढ़ोगे उस दिन तुम्हें लगेगा कि आज, है ना, कुछ गलत हो रहा है ना। होली वोली में क्या होता है कि, है ना, दूध में भांग मिला के पिला देते हैं, तो भांग क्या आता है ना कि तुम्हें जबरदस्त इनर्सिया क्रिएट कर देता है। अगर भांग खा के तुम सो गए तो 3-4 दिन तक सोते रहोगे। अगर भांग खा के तुम डांस करने लगे, होली चल रहा, भांग खा लिया, भांग पी लिया और डांस कर रहे हैं, अब डांस इनर्सिया ऑफ डांसिंग में चले जाते हैं, है ना। होली समझते हो, होली में क्या होता है गांवों में कि भांग पिला देते हैं, अब भांग पीने के बाद वो इनर्सिया ऑफ डांसिंग में चले गए, साहब डांस कर रहे हैं, उधर से पिताजी आ गए, अरे वो चचा आओ डांस करते हैं, अब पिताजी को चचा बोल रहे हैं, आओ चचा डांस करते हैं, पिताजी बोल रहे तू घर पे आ, बताता हूँ चचा कौन है तुम्हारा
बोला कोई बात नहीं चाचा, पहले डांस कर लो, आओ इधर। तो इनर्शिया ऑफ डांसिंग में चले जाते हैं। तो हम जो भी काम करते हैं, जिस भी स्टेट में होते हैं, उसका एक इनर्शिया होता है। सिंपल सबके पसंद।